व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज बिलाल। इन दिस लेक्चर वी लर्न अबाउट टूल टिप इन बूटस्ट्रैप 4। जी हां गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे टूल टिप को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस देखें, हम यहां पर एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करते हैं HTML का, और B4CDN जो मेरा सबलाइन पैकेज है बूटस्ट्रैप, उसके थ्रू मैं CDN लिंक जो है बूटस्ट्रैप का अटैचअप कर रहा हूं। एंड देन गाइस यहां पर जो है मैं एक डिव लेता हूं, क्लास कंटेनर सेव, एंड यहां पर जो है एक एंकर टैग लूँगा और उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हैश, ठीक है। एंड टाइटल में गाइस अपना नेम लिख देता हूँ, राव बिलाल सेव। एंड देन गाइस यहाँ पर जो है मैं नेम लिखता हूँ हाउ टू डेवलपर, ठीक है, सेव। एंड देन गाइस यहाँ पर देखें एक डाटा टूगल जो है एट्रीब्यूट एडअप करूँगा, ठीक है। और ये डाटा टूगल क्या करेगा आपकी टूल टिप को, यहाँ पर आएगी टूल टिप, ठीक है। डाटा टूगल किसको कर रहे हैं, टूल टिप को। एंड गाइस जो है यहाँ पर डाटा प्लेसमेंट क्या काम करता है कि आपने जो टूल टिप है वो कहाँ पर शो करवानी है, ठीक है, टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे, राइट पे। तो यहाँ पर आपने डाटा प्लेसमेंट यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ टॉप, ठीक है, टॉप नहीं टॉप, ठीक है, सेव, ठीक है। अगर मैं इसको गाइस ओपन करूँ तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो पहले जो टूल टिप थी वो इस तरीके से, अगर मैं ऊपर जाऊँ देखें होवर करता हूँ तो इस तरीके से आपको रॉ बिलाल शो होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी के लिए जो आपको यूज़ दिख रही है वो टूल टिप, देखें अभी अगर मैं होवर करता हूँ तो आपको टाइटल में रॉ बिलाल शो होता है, जो कि एक बाय डिफ़ॉल्ट टूल टिप जो है वो है, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र में सबलाइन में, और यहाँ पर देखें कंटेनर को मैं कहता हूँ कि मार्जिन टॉप लार्ज 5, ठीक है, सेव। अगर गाइस मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर जो है मैं अगर नीचे आऊँ सबसे, और यहाँ पर मैं jQuery का यूज़ करूँगा, स्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट कट, और यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर मैं jQuery का जो है इनके डॉलर और ये डॉक्यूमेंट, इसका मतलब गाइस ये होता है डॉक्यूमेंट रेडी, ओके, रेडी फंक्शन, फंक्शन के स्पेलिंग रॉन्ग, फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो है मतलब ये जो लाइन बोलती है वो ये कहती है कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, यानी कि जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो ये जो फंक्शन होगा ये फंक्शन चले। अब वो फंक्शन के अंदर क्या होगा, अब वो फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर डॉलर, और यहाँ पर जो है हमारी जो वैल्यू होगी मीन के जो ये जो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। डाटा टॉगल एट्रीब्यूट को कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पर जो है आपने टूल टिप जो है लिख देना है यहाँ पर, जो कि एक फंक्शन है, ठीक है, टूल टिप, ठीक है। तो ये jQuery के थ्रू हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। अगर अब मैं इसको सेव करूं और ओपन करूं और यहाँ पर आगे इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए मार्जिन टॉप से नीचे आ गया, और जैसे होवर लेके जाता हूं आपको टूल टिप शो हो रही है, ठीक है। इस तरीके से टूल टिप जो है आपको शो हो रही है। जो ये तो गाइस मैंने डाटा प्लेसमेंट टॉप पर की थी, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर प्लेसमेंट जो है वो लेफ्ट कर दूँ, सेव, अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पर तो अब आपको ये लेफ़्ट पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और अगर मैं इसको करूँ राइट पे, ठीक है, अगर रिफ़्रेश करूँ मैं यहाँ पर तो ये राइट पे आपको शो होगी, ठीक है। एंड देन गाइस लास्ट में है हमारे पास बॉटम, ठीक है, बॉटम सेव। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो देखिए टूल टिप जो है वो बॉटम पे शो होगी। तो गाइस इस तरीके से आप डाटा प्लेसमेंट के थ्रू टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम पे शो करवा सकते हैं टूल टिप को। तो टूल टिप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारे पास jQuery कोड है। तो गाइस ये है हमारे पास
कूल टिप। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।